देखिए, जो देखा वो तो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हुआ किस वजह से उस बारे में थोड़ा सा हम शेड लाइट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोई भी किसी को कुछ नहीं पता कि भाई कहाँ पे करंट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अर्थिंग हो रही थी, कल बारिश हुई थी, पानी क्लॉग हुआ था, ठीक है चलो पानी क्लॉग हुआ था, उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई सीवर लाइन अपनी अपनी है। या बिजली तो हम देख सकते हैं, आप RW अगर बना रहे हो, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, अब यहाँ पे देखिए कितना क्लटर बना रखा है वायर्स का, क्या मतलब है इसका, इसे कैसे अर्थिंग नहीं आएगी इस पर। अब तो चला गया, उसके घर वालों के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास तो ऑप्शन था कि दो मिनट एक बार अपनी अर्थिंग चेक करवा लें। लोगों ने डंडे से हटाने की कोशिश करी, बट बहुत लेट हो चुका था वो, और बाय द टाइम ही हैड ऑलरेडी डाइड। दो स्टूडेंट्स आए थे लाइब्रेरी से, गेट को पकड़ के निकलने की कोशिश कर रहा होगा, तो शायद से कोई वहाँ पर जो तारे हैं तो वहाँ पर कोई लटकी रह गई होगी जिसमें करंट होगा। और देन पुलिस आई, एक घंटे तक वो चिपके रहे, बहुत सारे लोग थे, हमने कोशिश भी करी कि हम कुछ कर सके, पर टाइम उस बंदे की बस मेन बात थी जान बच जाए और कुछ नहीं। हम डंडा भी लेके आए थे यहाँ से, ठीक है, हमारे साथ के बंदे थे तो डंडा भी लेके आए थे, तो तब यहाँ पर कोशिश करी हमने। पर जो केबल की तारें डली हुई हैं, एक तो इनके पोल पे, बिजली के पोल पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, होने चाहिए, अपना पोल अलग लगाएं, क्योंकि इनकी भी इसमें भी करंट होता है। प्रशासन को कुछ करना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को भी कुछ करना चाहिए। जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है दिल्ली के अंदर, जिस वजह से निकासी नहीं हो पाती पानी की। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेलनगर विधानसभा क्षेत्र का, ये हिस्सा है रंजीत नगर वार्ड 87। और यहां पर कल जो दिल्ली में जो भारी बारिश जो दिन में हुई है, उसके चलते यहां जो घटना घटी है काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि अक्सर जब बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो जगह जगह जल भराव हो जाता है और कई जगह ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि वहाँ करंट का फ्लो फेल गया जिसकी वजह से किसी को करंट लग गया। तो वैसी ही घटना यहाँ हुई है और एक युवक की मौत यहाँ पर हुई है। सामने ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से जो वो युवक की हालत है यहाँ पर। और ये बात, ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि ताकि एक अवेयरनेस लोगों में रहे, जब कभी भी बारिश होती है इस तरह से, तो आम बात है कि इस तरह से करंट कहीं कहीं पे किसी वजह से फेल जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब कभी इस तरह की बातें हों, तो जो पानी जो रास्ते में भरा होता है, वो बीच में हो सकता है वहाँ गड्ढा हो या जो वहाँ आसपास लोहे की चीज़ें हों उसमें करंट हो, तो उस बारिश के पानी को अवॉइड करें। उधर जो लोहे की जो चीज़ें हैं आसपास में, उनको टच ना करें, उनसे दूरी बना करके रखें। तो ये आपको जो है अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस घटना स्थल पर इस वक्त मैं पहुँचाऊँ और यहाँ पर जुड़ेंगे लोगों के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, क्या इसके बारे में जानते हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर पीयूष हैं, जो कि जो कल यहाँ घटना हुई है उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। सर, आप जब यहाँ पर थे कल, तो आपने क्या देखा और क्या इस समय दिमाग में उभर रहा है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जो देखा वो तो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हुआ किस वजह से उस बारे में थोड़ा सा हम शेड लाइट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितना भी आप गेट देख रहे हैं, सारे लोहे के गेट हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भी लोहे के गेट लगे हुए हैं। अब मेरा प्रशासन सवाल ये है कि कौन इन लोगों को जो है वो ऑथराइज़ करता है कि आप यहाँ पर RWA बना दो? और RWA बनाने का मतलब क्या है? क्या RWA बनाने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ फ्लैट के रेट बढ़ा दिए, उसके बाद कोई भी किसी को कुछ नहीं पता कि भाई कहाँ पे करंट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अर्थिंग हो रही थी, कल बारिश हुई थी, पानी क्लॉग हुआ था, ठीक है चलो पानी क्लॉग हुआ था, उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई सीवर लाइन अपनी अपनी है। या बिजली तो हम देख सकते हैं, आप RW अगर बना रहे हो, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही, अब यहाँ पे देखिए कितना क्लटर बना रखा है वायर्स का, क्या मतलब है इसका, इसे कैसे अर्थिंग नहीं आएगी इस पर। अब तो चला गया, उसके घर वालों के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास तो ऑप्शन था कि दो मिनट एक बार अपनी अर्थिंग चेक करवा लें, एक बार यहाँ पे एक स्टैचरी वार्निंग लगा दे कि भाई यहाँ पे अर्थिंग हो सकती है, इस रास्ते को अवॉइड करें बारिश के टाइम पर। नहीं हो सकता तो हटाइए ये वाले दरवाजे, क्यों लगा रखे हैं फिर आप लोगों ने? कि किसी को मालूम तो नहीं है ना कहाँ से अर्थिंग आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। हम अवॉइड तो कर सकते हैं, बच तो सकते हैं, लेकिन नहीं है, बेवकूफ़ी है तो है, क्या करें। अब यहाँ पे अगर कोई रात को निकल रहा है, किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अर्थिंग हो रही है नहीं हो रही है? बट बहुत बहुत ज़्यादा वो बेचारा किस तरीके से गया है, उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाया, कैसे हेल्प करेगा? फायर डिपार्टमेंट आया, लगा रहता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए।
हमारे साथ भी नहीं सर, अगर साइंस भी देखेंगे अगर वो गीला है चारों तरफ आजू बाजू गीला है तो हम हाथ भी कैसे लगाएंगे, नहीं तो कंडक्ट करेगा हमारे को, बेसिक सी बात है। कुछ सूखा भी होता, ऊपर से बारिश भी होती, लकड़ी भी गीली हो जाती, वो भी सीन था। तो उसका जाने का जो रीज़न था वो ठीक है कि हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन मेरे को लगता है अवॉइड हो सकती थी चीज़। फायर डिपार्टमेंट भी टाइम से आया, सब कुछ टाइम से हुआ था, वो कोई दिक्कत नहीं। बट कोई करेगा क्या अगर वो चिपका हुआ है, उसका हाथ आप उसमें देख रहे हैं, जितने भी वहाँ पे उभार आ रखे हैं उसमें उसका हाथ भी फंसा हुआ था। लोगों ने डंडे से हटाने की कोशिश करी बट बहुत लेट हो चुका था वो, और बाय द टाइम ही हैड ऑलरेडी डाइड। तो जो मृतक है आप उसे जानते थे क्या? देखिए सुनने में तो यह है कि वो इसी जो लाइब्रेरी, यहाँ पे एक लाइब्रेरी ही है, यहीं पर ही पढ़ते थे और हमारे जिम में भी आते थे, कभी फेस टू फेस नहीं हुआ। लेकिन जब वो लेके जा रहे थे तो लोगों ने उनको रजिस्टर कर लिया था कि ये हमारे जिम के ही हैं। अब यू नेवर नो, हमारे जिम में 100-125 बंदा आता है पूरे दिन के फुटफॉल में, कभी अलग टाइम पर कभी अलग टाइम पर। अब ये वाली चीज़ में ये कोई भी हो सकता था ना, उसकी जगह कोई भी हो सकता था। अब हम क्या करें, यहाँ से आना जाना छोड़ दें क्या करें? मेरे को अभी भी ये लगता है कि इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा सतर्क हुआ जाए कि जितनी भी अगर आप खुली तारे हैं तो कम से कम एटलीस्ट वार्निंग ही लगा दो यार। कितना मुश्किल है वार्निंग लगाना, आप ये 80-80 लाख के फ्लैट बना रहे हो, आपसे एक बैनर नहीं लगाया जा रहा। दैट्स इट, थैंक यू। आपका एक बार परिचय दे दें। ठीक है, मेरा नाम पीयूष है, मैं यहीं पर ही लोकल ही रहता हूँ और हम यहीं पर ही जिम करते हैं, तो हम एक ही ऑलमोस्ट एक ही लोकल ही हैं हम यहाँ पर, बस दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। उन्होंने हेल्प करी थी यार। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सर। सर कल की घटना को लेकर हमारे साथ एक सज्जन और हैं जिनका नाम युवराज मलिक है और ये भी उस समय प्रत्यक्ष दर्शी हैं। तो आपने कल क्या देखा यहाँ पर? कल बात ये थी कि जो वो गेट दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर पूरा पानी भरा पड़ा था, तो वो स्टूडेंट शायद से लाइब्रेरी से गेट को पकड़ के निकलने की कोशिश कर रहा होगा, तो शायद से कोई वहाँ पर जो तारे हैं तो वहाँ पर कोई लटकी रह गई होगी जिसमें करंट होगा, तो जैसे उन्होंने उसको पकड़ा गेट को तो एकदम से मतलब वो पूरा ही चिपक गए मुँह के बल। तो मेन बात ये थी कि वहाँ पर ऐसा हुआ और देन पुलिस आई, एक घंटे तक वो चिपके रहे, बहुत सारे लोग थे, हमने कोशिश भी करी कि हम कुछ कर सके पर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा करंट फैला पड़ा था कि कोई भी कर नहीं पाया। पुलिस भी आई तो उनको भी मन में चाह रहे थे कि बचाएं, लेकिन जो है क्या मन में चल रहा था उस समय कि उस टाइम उस बंदे की बस मेन बात थी जान बच जाए और कुछ नहीं। हम डंडा भी लेके आए थे यहाँ से, ठीक है, हमारे साथ के बंदे थे तो डंडा भी लेके आए थे, तो तब यहाँ पर कोशिश करी हमने पर बेसिक नई पुलिस वालों ने भी 1-1.5 घंटा लगाया, तब भी बहुत मुश्किल से कैसे भी डंडा करके साइड निकाल के करा कोई उनको किया, तो जैसे उनके पल्स वगैरह चेक करे तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। जिनके साथ ये घटना हुई उन्हें जानते थे आप? जानते तो नहीं थे पर उनकी शायद से एज शायद से 22 अबाउट या 23 होगी, UPSC के स्टूडेंट थे। अच्छा, बेसिक UPSC के? हाँ, वो शायद से यहाँ पर लाइब्रेरी से आ रहे थे। धन्यवाद, थैंक यू। पहले अपना परिचय दे दें एक बार। मैं बाल किशन हूँ, साउथ पटेलगढ़ में रहता हूँ जी। तो ये जो इस तरह की घटना हुई है इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए ये है कि जो केबल की तारें डली हुई हैं, एक तो इनके पोल पे बिजली के पोल पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, होने चाहिए अपना पोल अलग लगाएं क्योंकि इनकी भी इसमें भी करंट होता है। अच्छा, जो केबल की तारें गई है करंट तो होता है कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं वो टच हुआ है जिससे ये करंट आया है। अच्छा, जबकि DSU ने इतनी मोटी वायर लगा रखी है उसमें करंट का मतलब नहीं आता। ओके, ये मेन हमें तो इसी का डाउट है कि केबल की वजह से ना आया होगा। अच्छा जी, जो बिजली विभाग है उसके अलावा जो यह तारे इधर से सप्लाई होती हैं तो उनको बिजली विभाग में से ऐसा लगता नहीं है कि जितनी मोटी वायर डाल रखी है इन्होंने उसमें करंट आ सकता है। चलिए धन्यवाद। देखो देखने के बाद पता लगा कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ करंट लगने के बाद, तो बहुत बुरा लगा। इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को भी कुछ करना चाहिए। जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है दिल्ली के अंदर जिस वजह से निकासी नहीं हो पाती पानी की, और पानी का बारिश आने से पहले, सावन आने से पहले ही इस चीज़ को देखा जाए और निकासी का इंतजाम किया जाए तो इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रशासन भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए इसमें और उन्हीं का अहम रोल रहता है इस चीज़ के अंदर। तो ये पूरी घटना आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की और जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो को बनाने का केवल यही एक मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस आए, जहाँ कहीं जल भराव है वहाँ से ना निकलें, लोहे की चीज़ों को ना छेड़ें, उनको टच ना करें, उनसे दूरी बना करके रखें।
और इसके साथ ही जैसे कि अभी लोगों ने बताया कि इसमें MCD का भी बड़ा रोल है कि जो जल भराव हो जाता है तो उसकी निकासी के लिए जो है अच्छी व्यवस्था हो, और बारिश आने से पहले ही उसका जो है कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि बरसात में इस तरह की चीज़ें ना हो, दिल्ली सरकार भी इसमें संज्ञान ले। और साथ ही जो है इस घटना के माध्यम से मैं जो है जो मृतक है उसके जो है आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। साथ ही वो एक स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया था, और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दिल्ली में और दिल्ली जैसे शहरों में अपने अपने गांवों को अपने शहरों को छोड़ कर के आते हैं, और इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतने से कहते हैं कि जहाँ भी नज़र चूकी वहीं घटना घटी। तो लापरवाही ना बरतें और अपना बहुत ख्याल रखें, और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा और जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने कैमरामैन मिस्टर जतिन ढींगरा के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।